नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित चकबंदी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव मसूरी में विगत 20 सालों से चल रही चकबंदी की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज भारतीय किसान यूनियन के नेता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि 20 साल से चल रही चकबंदी की प्रक्रिया की वजह से ग्रामीणों ने अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। चरथावल क्षेत्र के गाँव मसूरी में सन 2004 से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक चकबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहीं भाकी युवा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीणों को तारीख पर तारीख दी जाती है और आज गांव के सभी किसान यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चकबंदी के अधिकारियों ने गांव में ऐलान करा दिया कि कोई भी अपनी ज़मीन पर पक्की फसल की बुआई ना करे, क्योंकि आपकी खेतों की डालबंदी होगी। उन्होंने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे स्टाफ को यहाँ से वहाँ बदला जा रहा है और पूरा गाँव स्टाफ बदलने के विरोध में है। पहला गाँव होगा जो ये चाह रहा कि हमारी चकबंदी को आप जल्दी से निपटा दो। 2004 से 5 से गांव मथुरा में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो रही, इन्हें हर बार तारीख पर तारीख दी जा, पूरा गांव परेशान है। सब गांव वाले आज देख लो आप यहाँ कितने बैठे, इन्हें गांव में ऐलान करवा दिया इन्होंने चकबंदी वालों ने कि कोई भी पक्की फसल खेतों में न बोवे, आपकी डोरबंदी होगी। डोरबंदी हो नहीं रही, पूरे स्टाफ को वहाँ से बदला जा रहा है। पूरा स्टाफ गांव वालों के पक्ष में है कि भाई काम हो जाए, इनकी डोरबंदी हो जाए, इनका काम निमट जा। इनके खेत खली पड़े, फसल ये बो नहीं रहे। यहाँ पर डिप्टी साहब ने रोज अखबार में तो अगले महीने सुनूंगा, सुनता है नहीं भाई। जब इनके आपका काम है इनकी सुनने का, इनकी सुनवा कर डोरबंदी कराई जा, ये कब तक यहाँ चक्कर कटके? चकबंदी प्रक्रिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ तो होगी, 20 साल तक चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, 2023 चल गया। यहाँ लूट खसोट का अड्डा बना दिया। ये सब गांव वाले यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी चकबंदी की प्रक्रिया आप पूरी करो और कल तक सुनकर 4-5 दिन में निपटा दो, हमारी डोर लगवा के। ये मांग है इनकी।